कलमे के हवाले से पेश करता हूँ, मेरे साथ शामिल हो जाए। ला इल्लल्लाह, आप शामिल हो सकते हैं, हाथ नीचे न रहे, लब खामोश न रहे, अल्लाह के घर में बैठे हैं, बावजू बैठे हैं, बावजू पढ़ रहे हैं। एक मिनट के लिए उठाइए जरा दोनों हाथ। खुदी का सिर से निहा खुदी है ते फसा ये दौर अपने तलाश में है, ये दौर अपने तलाश में है। सनम कदा है जहां उठा सकते हो हाथ, आपको कलमा हक का वास्ता देता हूँ। हाथ नीचे न रहे, जब इश्क सिखाता है। इकबाल को पढ़ रहा हूँ, कलंदर लाहौरी को पढ़ रहा हूँ। जब इश्क सिखाता है, आदाब खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पर, असरार शहर शाही ऐ तायर लाहूती उस रिज्क से बहुत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में होता ही, दारा सिकंदर से वो मरते फकीर ओला, दारा सिकंदर से जिसका ये अकीदा है कि मैं दाद अली हजवेरी की बात कर रहा हूँ, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात कर रहा हूँ, मैं सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू की बात कर रहा हूँ, मैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन कच्चे शक्ल का तज़किरा कर रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत व जमात के हर हर वली की बात कर रहा हूँ। तो वो सुभान अल्लाह में भी कंजूसी न करे, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पर, असरार शहंशाही ऐ तायर लाहूती उस रिश्क से मौत अच्छी, जिस रिश्क से आती हो परवाज में कोताही, तारा सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में दुए असदुल्लाही आई ने जमा मरता हक कोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अगरचे पुत है बुद्ध है जवाहर में मुझे है हुक्म आजा।
तभी तन्हाइयों को हो दमन। इश्क का मौजू चल रहा है कभी तन्हाइयों को हो दमन। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी का लिखा हुआ कलाम मैं पढ़ रहा हूँ। कभी तन्हाइयों को हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूरो अंजुमल इश्क, कभी शर्माया है मेहराब व मिंबर, कभी मौला अली मौला अली मौला अली। मर्जी है अली के नाम पर भी आवाज आपकी कम रहे, ये यकीन जानिए मुनासिब नहीं है। मिल के जरा कभी खैबर शिखर मौला अली खैबर शिखर इश। और ये तो हो नहीं सकता अली का जिक्र हो और अबू बकर की बात ना हो, और वो भी इकबाल की जुबानी। इतने में वो रफीके नबुवत भी आ गया। जी मैं इकबाल पढ़ रहा हूँ मुझे इकबाल पढ़ने दिया जाए। आप सुने जरा, इतने में वो रफीक है नबुवत भी आ गया। सदीक अकबर की बात, इतने में वो रफीक है नबुवत भी आ गया। ले आया अपने साथ वो मरते वफा शरीफ, ले आया अपने साथ वो मरते वफा शरीफ। क्या क्या लेके आया, मिलके जमीनों दिरहमों दिनारों रख्तों जिल्द अस्त कमर सूम शुतर कातिरो हिमार। इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया। ले आया अपने साथ वो मरते वफा शरीफ। क्या क्या लेके आया, मिलके जमीनों दिरहमों दिनारों रख्तों जिल्द अस्त कमर सूम शुतर कातिरो हिमार। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा, कहा का परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा का रसूल बस बस ये मालो दौलत दुनिया तूने मताए गुरूर का सौदा फरेब सूदो से आ ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। और ये तो हो नहीं सकता, इतनी हस्तियों का जिक्र हो और कलमा बचाने वाले का जिक्र ना हो। आखिर में चार मिसरे और वो भी पढ़ रहा हूँ, हाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के लिखे हुए कलमा और हुसैन शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर्द से यजी हक्का के बिनाए हक्का के बिनाए। ऐसे नहीं यार, तुझे हुसैन का वास्ता दे तो हाथ नीचे न रहे जिसका ये अकीदा कि आज मस्जिद में अजान है तो हुसैन का सदका, नमाज है तो हुसैन का सदका, सजदे हैं तो हुसैन का सदका। मेरे पास दो से तीन मिनट है, वो हाथ नीचे न रखे, उठाए जरा दोनों हाथ। हुसैन गरना शहीद होता, कोई नहीं हाथ उठा रहा। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अजान होती, खुदा के घर में
آزان ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا افسانے غم کے سناتا پھرتا ہر ظلم اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلے بلو لا لا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں اللہ